तो कैसे हो किटकैट्स, मैं हूँ महान यूट्यूबर किट्टू राव। आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान के आप किसी भी इंसान को पकड़ लो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, फिजा खलीफा से लेकर सना अमजद, कहीं भी चले जाओ, सबके वीडियो में एक चीज ही देखने को मिलेगी कि इंडिया में मुस्लिम्स पर जुल्म हो रहा है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, उनको ये हक नहीं दिया जाता, वो हक नहीं दिया जाता। इंडिया में जुल्म हो रहे हैं, इंडिया में जुल्म हो रहे हैं, इंडिया में जुल्म हो रहे हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक, जबरदस्ती नकल मकानी और गाय ज़बा पर बहीमाना तौर पर कत्ल किए जाने का सिलसिला जोरों से जारी है। भारत किसकी शह पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कि जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिए चले जा रही है, क्यों? और कश्मीर में भी जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जा रहा है। ये जो कहते हैं सेकुलर भारत है, तो ये सेकुलर तो अब कहना छोड़ देना खुद को, वो ये हिंदुत्व भारत है जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व का राज है। कौन सी माइनोरिटीज, आप अपनी माइनोरिटीज देखे ना, 1947 में आप क्या माइनोरिटीज की संख्या, हमारे यहाँ माइनोरिटीज को कुछ भी नहीं, सब बड़े खुश हैं। आप हमारे यहाँ तो ऐसे कोई वाक्या पेश नहीं। अच्छा, और अगर कभी कोई इक्का दुक्का ऐसा वाक्या पेश आएगा तो गुलाम वसीन को बता दें कि हमारी पूरी रियासत जालिम के साथ नहीं खड़ी होगी, मजलूम के साथ खड़ी होगी। झूठ बोलो, आप जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। पाकिस्तानी जो खुद करते हैं ना, वो ही उनको लगता है कि इंडिया में हो रहा है। एक कहावत है, पैरों में बलती हुई नहीं दिखती, पहाड़ पर दिख जाती है, तो वही है। पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, क्या हालत बना रखी है, वो उनको नहीं दिखता, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, कश्मीर चाहिए इनको, कश्मीर में क्या हो रहा है, उसी पर अटके पड़े रहते हैं। पाकिस्तान के मीडिया पर आज तक कभी किसी ने ये चीजें नहीं दिखाई। एक यूट्यूबर है शोएब चौधरी जी, पाकिस्तान में हिंदुओं की कंडीशन को दुनिया के सामने लाए, और हमें उनके साहस और हिम्मत को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर इंसानियत है, इंसानियत ही मैटर करती है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आएगा, और इन्होंने हिंदुओं की क्या कंडीशन बना रखी है, पाकिस्तान में देखिए कैसे खौफ के साए में जी रहे हैं। एक भी हिंदू से राम वर्ड नहीं निकल रहा, इसे कहते हैं खौफ। इंडिया में किसी भी मुस्लिम से राम वर्ड बुलवा दो, मैं ना यूट्यूब छोड़ दूंगी। इंडिया में आजादी है सभी धर्मों को, सभी को अपने अपने तरीके से अपने कल्चर को फॉलो करने की, और वहीं पाकिस्तान में देखिए क्या हालत है। हिंदू कम्युनिटी के जो बाजार में दुकानें हैं उनके शॉपकीपर से बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? मैं भी ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? गिरीश कुमार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप जैसे भाई होंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा। इनका नाम क्या है, आपका कैसे हैं आप? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। ठीक है, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं? हिंदू। हिंदू हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं। अमरताश। अमरताश, अमरताश भाई बैठे हैं, हम बैठ के बात करते हैं। पहले तो ये बताएं कि पैसे ज्यादा आ गए हैं? सर बस अल्लाह का शुक्र है। कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का एहसान है। मैं एक बंदे की नहीं सबकी क्लिप लगा रही हूँ, अभिवादन के तौर पर मुस्लिम लोगों का है, वो ही करते हैं, चलो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक बंदा तो जय श्री राम बोलना चाहिए ना। मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं आता, आएगा भी तो ऐसे समझो वो न्यूज नहीं चलेगी, वो कहानी को शायद वो चेंज कर दिया, वो ऐसे समझो कहानी को रुख जो है ना वो ही चेंज दे देंगे। ठीक है, वो हम ऐसे समझो मजलूम से जालिम हो जाएंगे फिर। ये जो हंस रहे हैं, हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, अगर आप फीलिंग इनकी महसूस कर सके तो आपको आइडिया होगा। हंसी के पीछे भी डर और एक दर्द छुपा हुआ है। और फिजा खलीफा, चुच्चू का मुरब्बा, ये जो बहुत भोगते हैं ना, इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, इस टॉपिक पर बात भी नहीं करेंगे वो। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अदालतें आप लोगों की बाइज्ड है, और आप लोगों के यहाँ आपकी जो फौज है सिन्हा है, क्या 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 बोला, सिन्हा है, सिन्हा है, सिन्हा है, सिन्हा है, सिन्हा है। अब कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है? लाखों की तादाद में कश्मीर में बकायदा नहत्ते कश्मीरियों पे छर्रे बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उनको शहीद किए चले जा रहे हैं। आपके यहाँ तो सब लोग एंटी मुस्लिम हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मुस्लिम लोगों का अलग पहनावा होता है, हिंदुओं का अलग। पाकिस्तान में टोपी पहनकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह की आजादी है वहाँ पर। आप भी ज्यादा गर्म तो चांद के साथ सिंह ने माता पिता तुझे दर्द है, तुझे दावत है, बच्चे रन जो बारो बार नमस्कार बोलो शंकर भगवान की हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि पूजा हिंदू कर रहे हैं कि मुस्लिम कर रहे हैं।
कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम करवाओ, बेशक करवाओ, आपको हमें अगर कोई मर्जी से करना, मर्जी से करना, लेकिन लड़की, हाँ यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, ये अभी आगे मुझे आइडिया हुआ। जाहिर बात है जब मैं ग्राउंड में कोई भी आता है तो फिर जब यहाँ के पब्लिक जो है उससे बात करेंगे तो मैं हैरान हुआ कि फोर्स कन्वर्जन तो एक चीज है लेकिन सिर्फ लड़कियों, क्यों लड़कियां भी टीन एजेस में जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल कानून में राइट ही नहीं है उनको, 18 साल से पहले आप कुछ कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते। आए दिन आपके कुछ पेज भी बने हुए हैं जहां पर आए दिन कोई ना कोई पोस्ट आती है कि किसी को मतलब कभी फोर्स कन्वर्जन हो गई, फोर्स मैरिज हो गई, यही मसला है, यही फोर्स कन्वर्जन का बहुत मसला चल रहा है, इस वजह से लोग डर कर जले जा रहे हैं। किधर है गवर्नमेंट काम नहीं कर रही आपको कुछ इतना पता नहीं? और प्लस में जो फोर्स कन्वर्जन होती है वो तकरीबन गर्ल्स की होती है। हाँ यही तो, अगर मजहब की हो, मजहब की हो तो उसमें आप भी हो कोई और भी हो, गर्ल्स भी वो जो 18 से नीचे होती है। ये वजह क्या है? बस वो आगे चल के उन लड़कियों को भेज देते। फोर्स कन्वर्जन क्या जाता है, कन्वर्ट किया जाता है हिंदू से मुस्लिम लोगों में, लेकिन ये एक चीज नोटिस करने वाली है कि टीनेज लड़कियों को ही क्यों किया जाता है, उनका यौन उत्पीड़न किया जाता होगा। टीनेज लड़कियां हैं वो आगे चलकर मतलब जब मैच्योर बनेंगी थोड़ी तो वो एक नए जीव की संरचना फीमेल ही करती है ताकि कोई राम पैदा नहीं हो, बाबर हुमायूं पैदा हो कि हिंदुओं की संख्या और कम हो जाए। और दूसरी चीज बाद में उनको बेच भी दिया जाता है, जैसा कि एक हिंदू भाई बोल रहे हैं कि बेच भी देते हैं, तो ये है इनकी हकीकत। क्या कहूँ यार, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, हिंदू लड़कियों को बेचा जा रहा है, क्या हालत है। उस चूचू के मुरब्बे और फिजा खलीफा को जी कर रहा है मैं पकड़ के अच्छा लताड़ूं, गंद भर रखे है पाकिस्तान के आवाम में। हिंदुस्तान में मौजूद आज करोड़ों मुसलमान इनसिक्योर है। चुप करें मैनेजर। आज मैं मौजूद हूँ, एक हिंदू कम्युनिटी का एक मोहल्ला है और लाइट यहाँ पर नहीं है। ये रिकॉर्डिंग मैं डे टाइम में भी कर सकता था लेकिन नाइट में इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ, गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिखा सकूँ कि 2022 का लास्ट है और इस टाइम पे इस दौर में भी यहाँ पर इस मोहल्ले में लाइट नहीं है। वहाँ हिंदुओं के पास लाइट भी नहीं है, बेसिक चीजें भी नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी कंडीशन में है। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरी सच्चाई दुनिया को दिखा रहे हैं। इन्होंने वीडियो भी, गाड़ी की बैटरी होती है उससे जलाकर लाइट और फिर वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, तो सच में इनका काम काबिले तारीफ है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम डूबकर मर जाने का है। सही बात है। वीडियो देखकर दिल को बहुत तकलीफ हुई, बट क्या कर सकते हैं यार। और लोग मेरे को बोलते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इतना नेगेटिव क्यों बोलती है, तो मेरे भाई और क्या बोलूं मैं, नेगेटिव नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, ये क्या आ रहा है। और ये तो कंडीशन दिखाई जा रही है, जो पाकिस्तानी बिलबिलाते रहते हैं कि नहीं इंडिया में जुल्म हो रहे, वो तो बिना सर पैर की बातें करते हैं, बिना प्रूफ के बातें करते हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार गरीब नवाज के फैजान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। वो अपनी फिक्र करें, हमारी फिक्र न करें। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। ये उन लोगों से ले पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों से ये किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं? ये वहाँ की मीडिया और जो वहाँ के सोशल मीडिया है वो उन लोगों, नहीं बिल्कुल गलत है। पहले अपने गिरेबान में झांके और हमारे मुल्क में झांकने की कोशिश न करें। उनके पास तो कोई ऐसा वीडियो नहीं होता कि इस हाल में रह रहे हैं या ये कर रहे हैं या उनको अपना कल्चर फॉलो नहीं करने दिया जा रहा, उनकी ड्रेस नहीं पहनने दी जा रही, ऐसा कभी हुआ है नहीं। लेकिन फिजा खलीफा खुद हिजाब नहीं पहनेगी लेकिन इंडिया का भाषण देगी। भारतीय हुकूमत ने रियासत कर्नाटक में तालिबान के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जिस पर आलमी सतह पर तनकीद की गई। आज के लिए बस इतना यार, मेरे से ज्यादा नहीं बोला जा रहा इस टॉपिक पर, अंदर से तकलीफ हो रही है, मैं बता नहीं सकती। जय श्री राम।